नमस्कार, मेरा नाम है अमित पुंडीर। आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। इस वीडियो स्ट्रीम पर हमारा साथ दे रहे हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। इस वक्त हम मौजूद हैं सोलन के न्यू बस स्टैंड के पास, ये जानने के लिए कि यहाँ से जो है कौन कौन से रूट पे बसेस चल रही है और कौन कौन से रूट पे जो है बसेस नहीं चल रही है। आप इस लाइव वीडियो स्ट्रीम के साथ जरूर जुड़े और ज्यादा से ज्यादा इस लाइव वीडियो स्ट्रीम को जरूर आप शेयर करिए। तो चलिए, टाइम नहीं गंवाते हैं, सीधी जानकारी लेते हैं। सर, आपका सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम राजेंद्र ठाकुर। राजेंद्र सर, हमारे सभी दर्शक जानना चाहेंगे कि सोलन डिपो की कौन कौन सी जो बसेस है वो प्रभावित हुई है, रूट पे नहीं पहुंची है और किस किस जगह पर बसेस चल रही है। मैं राजेंद्र ठाकुर, अड्डा इंचार्ज सोलन HRTC बस स्टैंड जी। हमें कल सुबह से हमारी कम करीब कोई 37 बसें हेल्ड अप है, जो स्टेशनों पे परसों गई थी वापिस नहीं आई है रोड ब्लॉक होने के कारण। जगह जगह स्लाइड आए हैं। कल हमारी अधिकांश बसें जो है प्रभावित रही, करीब 65 रूट के करीब जो है हमारे बंद रहे। कुछ गाड़ियां ना आने की वजह से, कुछ जो गाड़ियां हमने यहाँ से भेजी वो भी आधे रास्ते तक वापिस आई है। आज भी सुबह हमने जो गाड़ियां भेजी, धर्मशाला वाली गाड़ी भेजी गंबरपुर के पास, रोड बंद होने के कारण वो भी वापस आ गई जी जी। और हमने वाखना घाट वाली गाड़ी भेजी, देवठी तक गई, देवठी से वो भी वापस आई। अधिकांश रोड हमारा जो चौपाल के 2-3 गाड़ियां जाती थी वो गाड़ियां वहीं फंसी हुई है, रोड सारे बंद है। वो कल से लेके ना जा रही ना आ रही, वहाँ दोनों साइड को गाड़ियाँ बंद है। फिलहाल भगवान के मौसम के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है भी अगर ऐसा ही मौसम रहा तो आज भी मैक्सिमम रूट प्रभावित रहेंगे। जो यात्री चंडीगढ़ और दिल्ली की तरफ जाना चाहेंगे, क्या दिल्ली रूट पर बसें चल रही है? हाँ, मेन रोड शिमला, दिल्ली, हरिद्वार, ऊना, पठानकोट, जो ये मेन रोड है ये खुला है, यहाँ पर मैक्सिमम गाड़ियाँ चल रही है, अपने टाइम टू टाइम जा रही है। सिर्फ हमारे जो लोकल रूट है, जैसे लोकल गाड़ियां चलती है, जैसे चौपाल लाइन है हमारी, स्पाटू वर्की की लाइन है, राजगढ़ लाइन भी कल भी प्रभावित थी, शाम को थोड़ी देर के लिए खुली थी। आज सुबह भी गाड़ी जो हमारी राजगढ़ से हमीरपुर आनी थी वो 9:30 के करीब यहां पहुंची, नवनी में बंद था। अभी भी 2-3 जगह जो है फिर स्लाइडिंग आ गई है, रोड बंद है राजगढ़ वाला, इसलिए वहाँ पे गाड़ियाँ जो है अभी जो भी गाड़ियाँ प्राइवेट वगैरह जा रहे हैं नवनी तक जा रहे हैं एंड वे कार। चलिए, जाते जाते दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी यात्रियों से अनुरोध करूंगा कि मौसम की स्थिति को देखते हुए सेफ रहे, घर में रहे और किसी खास मजबूरी में ही घर से बाहर निकले, क्योंकि रोडों की स्थिति बहुत ख़राब है, मौसम जो है बहुत ख़राब है, इसलिए सुरक्षित रहे, अपने घरों में रहे। जय हिंद, बहुत धन्यवाद। तो ये सीधी तस्वीरें आप जो है सोलन के न्यू बस स्टैंड से देख रहे हैं, जहाँ पर अड्डा इंचार्ज सर ने आपको बता दिया है कि कितनी बसेस जो है अभी अपने रूट पर पिछले कल गई थी लेकिन वापस नहीं पहुंची है। और जितने भी दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, अभी अभी मैं सूचना मिली है कि जो सोलन से राजगढ़ वाला रूट है वो भी जो है बंद बताया जा रहा है। नौनी तक जो है प्राइवेट बसेस जा रही है, नौनी से आगे कहीं पर तो लैंडस्लाइड बताया जा रहा है, ऐसा हमें जो है अड्डा इंचार्ज ने अभी अभी जानकारी दी है। अगर आप जो है सोलन से राजगढ़ की तरफ आ रहे हैं या जा रहे हैं तो एक बार कंफर्म जरूर करें कि रूट कहीं बीच में प्रभावित तो नहीं है। बाकी मैं एक बार भाटिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार ये सोलन बस स्टैंड का नज़ारा दिखाया जाए आपको। ये मेहता बस प्राइवेट है, शिमला के लिए जा रही है, शिमला के लिए रोड अभी जो है फिलहाल ठीक बताया जा रहा है और शिमला से चंडीगढ़ भी जो है बसेस प्रॉपर तरीके से चल रही है। बीच बीच में हो सकता है कहीं कुमारहट्टी से आगे या धर्मपुर के आसपास या उससे आगे कहीं बीच बीच में लैंडस्लाइड हो। ये बस आप देख रहे हैं भगनाल बस सोलन, राजगढ़ और हबन के लिए लगी है, लेकिन अभी अभी अड्डा इंचार्ज ने बताया कि नौनी के बाद जो है कहीं पर तो जो है बीच में लैंडस्लाइड बताया जा रहा है, तो सोलन से राजगढ़ वाला रूट जो है वो बंद बताया जा रहा है। फिलहाल एक और बस जो शुनी यूनिवर्सिटी के लिए लगी है, अब ये भी अपने गंतव्य तक पहुंच पाएगी या नहीं इस बात की भी अभी, लेकिन अड्डा इंचार्ज ने ये साफ साफ कह दिया है कि शिमला से चंडीगढ़, शिमला से दिल्ली के लिए जो है सरकारी बसेस चल रही है। और अड्डा इंचार्ज ने ये भी बताया कि जो सोलन डिपो की 95% लोकल रूट की बसेस है वो या तो अपने स्थान पर जहां जाती है या तो वहां फंस चुकी है या बीच में ही कहीं लैंडस्लाइड में फंसी है। और पिछले कल जो है 65 बसें
जो अपने रूट के लिए निकली थी वो वापस नहीं आई है। आप ये सीधी जानकारी लाइव टाइम्स टीवी पर देख रहे हैं, जितना हो सके इस लाइव वीडियो स्ट्रीम को शेयर अवश्य करिए। लेकिन अगर आप बस के जरिए कहीं पर भी यात्रा करने जा रहे हैं तो एक बार पहले कंफर्म कर लें कि आपके एरिया के लिए बस आ रही है या कहीं बीच में फंसी तो नहीं पड़ी है। आप इस लाइव वीडियो स्ट्रीम को जरूर शेयर करें। और अभी अभी सुनने में आया है कि जो धोरी दीवार के पास सुबाथू वाला रोड है वो भी लैंडस्लाइड के कारण बंद हो चुका है। अभी अभी ये सूचना हमें अड्डा इंचार्ज के द्वारा ही मिली है। अगर आप सोलन का जो बाईपास है, धोरी दीवार है, अगर वहां से सुबाथू की तरफ जा रहे हैं तो धोरी दीवार के पास जो है वो लैंडस्लाइड हुआ है, वो रोड भी जो है कुछ क्षणों के लिए अभी जो है बंद हो चुका है। अगर आप सोलन से राजगढ़ की तरफ जा रहे हैं तो नौणी तक ही ऐसा बताया जा रहा है कि प्राइवेट बसें चल रही है, तो इस बात का आप खासा ध्यान रखें। या तो आप सफर ना ही करें तो बहुत अच्छा है, अपने घरों से बाहर ना निकले, लेकिन अगर आपको निकलना भी पड़े किसी जरूरी कामवश बस के जरिए आपको सफर करना है तो एक बार जरूर ये कंफर्म कर ले कि आपके एरिया से या सोलन की तरफ या शिमला की तरफ कहीं पर भी आपको जाना है कि बस जा रही है, कहीं बीच में लैंडस्लाइड तो नहीं है। इस बात की आप जरूर एक बार पुख्ता जानकारी जरूर लें। और जितने भी लोग जो है दिल्ली की तरफ सफर करना चाहते हैं या चंडीगढ़ की तरफ सोलन से सफर करना चाहते हैं या शिमला से सफर करना चाहते हैं, फिलहाल जो है शिमला से चंडीगढ़ और सोलन से चंडीगढ़ भी जो है सरकारी बसेज अभी फिलहाल चल रही है। हो सकता है कि कहीं कुमारहट्टी से आगे या धर्मपुर से आगे कहीं बीच में हल्का फुल्का लैंडस्लाइड हो, लेकिन प्रशासन की टीम जो है मुस्तैदी के साथ रोड को ठीक करवा रही है अगर कुछ भी लैंडस्लाइड बीच में आया हो। लेकिन मैं तो आपको यही कहूंगा, प्रशासन की तरफ से भी बार बार आपको ये कहा जा रहा है कि अगर जरूरी काम हो तो ही अपने घर से बाहर निकले, या आप अपनी गाड़ी के जरिए सफर कर रहे हैं तो भी गाड़ी आराम से चलाएं या बस के जरिए सफर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बस के जरिए सफर कर रहे हैं तो आप एक बार जो है अपनी सड़क का जो मार्ग है उसके बारे में पुष्टि जरूर ले लें कि कहीं बीच में लैंडस्लाइड तो नहीं हुआ है। ये सीधी तस्वीरें आप जो है सोलन के न्यू बस स्टैंड से देख रहे हैं, जहां पर हमने आपको जानकारी दी कि जो सोलन डिपो की लोकल रूट की बसें हैं वो 95% जो है बंद हो चुकी है। कुछ बसें यहां से निकली थी वापस नहीं आई है, और पिछले कल जो है सोलन डिपो की तकरीबन 65 बसें जो है बीच में ही फंसी पड़ी है, वो वापस अपने स्थान